गाइस गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और दोस्तों आज की व्लॉग में ना सुबह सुबह तो काफी ज्यादा काम था, तो होपफुली मैं करता हूँ। बस वीडियो एडिटिंग ना अभी थोड़ा सा लेट हो जाएगा, तो आज की वीडियो जो है थोड़ी सी लेट आपको देखने को मिलेगी। तो फिलहाल तो वैसे सारी चीजें कर चुके हैं मैं और आ चुका हूँ मैं मनीष के यहाँ पे। तो बस फिलहाल तो राशन वगैरह लेके आना था, तो सुबह सुबह लेके आ गया मैं। और इसके बाद का जो काम है ना, तो हमारे मनीष के नाम पे भी बहुत सारा काम, बुआ जी छोड़ के गई है तो बेचारे को ना बहुत सारा काम दे दिया गया है। कपड़े लत्ते धोने का बहुत सारा काम मिल चुका है, क्योंकि बुआ जी आज आ रही है वृंदावन, तो वृंदावन में कम्बल वगैरह चाहिए होगा ना, तो इसीलिए मनीष की ड्यूटी काफ़ी सारी दी जा रही है वृंदावन। तो ठीक है, तो बुआ जी और नीचे एक एक्चुअली भाभी जी हैं वो, और उधर से एक और आंटी है, तो ये सारे लोग ना जा रहे हैं वृंदावन। तो भाई साहब हमें तो जाना नहीं पड़ा क्योंकि हमारे लेडीज़ ओनली अलाउड है, तो लेडीज़ जा रहे हैं, तो मैं और मनीष तो फिलहाल तो बोर हो रहे हैं। और इधर बुआ ने अभी तो अपने लिए आटा और ये लिट्टी के लिए मतलब सत्तू वगैरह इसने खोल लिया बुआ ने, अब तो ये बगरा के लेके जाएंगे बुआ अपने साथ वृंदावन। बुआ जी तो हमारे जा रहे हैं वृंदावन है ना, तो अब मैं और मनीष रहेगा, तो मैं और मनीष रहेंगे साथ में। तो बस मनीष को लेके चलते हैं हमारे घर पे, फिर उसके बाद ना देखते हैं कहाँ का पता मिलता है। तो होपफुली बाहर ही जाना होगा आज, तो देखते हैं कहाँ पर जाते हैं। तो बस राशन वगैरह लेके आना था, तो राशन तो लेके आ चुका मैं भी, मनीष भी है ना, तो अभी ऊपर रख दिया। बस फिलहाल चलते हैं घर पर और फिर आएँगे अभी थोड़ी देर में, थोड़ा सा राशन हो रहा है तो स्कूटी पर लेके चलते हैं घर। कहिए देखो ये लड़का जबरदस्ती कर रहा है हमारे घर जाने के लिए, लेकिन हम इसको नहीं लेके जाएंगे क्योंकि बहुत शरारती बच्चे हैं ना, इस मारे शरारती बच्चों। चप्पल ले ले भाई तू, चप्पल ले ले मोइन अच्छा देखो पूछिए, देखो चाबी लेके भाग गया भाई साहब। ओए ओए अच्छा बच्चा वैसे तो आराम, जल्दी जल्दी चलो। सो गाइस आज हमने अपनी मम्मी को ड्यूटी दी है चाय बनाने की, तो देख सकते हो मम्मी हमारी बना रही है चाय, पानी डाल दिए, पत्ती डाल दिए, और उसके बाद गैस यार क्या जलाई है मम्मी ने, हाँ जला दी गैस तो जलाती है मम्मी ने, ठीक है। और दूध देख सकते हो कितना सारा भाई साहब, तो दूध नहीं आप डालो मम्मी, लाल चाय करो है, लाल चाय कंप्लीट करो, किसके लिए अपने लिए, लाल चाय पियोगे आप हाँ, और हमारे दूध वाली हाँ, चलो ठीक है जल्दी जल्दी बनाओ भैया, फिलहाल मम्मी बना रही है तो थोड़ा वेट कर लेते ना। क्या ढूंढ रहे हो अब है, ढूंढ रही है क्या, ढूंढ रहे हो चरपत्ता लाया सर, अच्छा चरपत्ता ढूंढ रहे हो, चरपत्ता नहीं लाया मम्मी, ये पड़ा है, पड़ा है मम्मी को मिला चरपत्ता, तो मम्मी को ऐसे सर्दी जुकाम हो रखा है थोड़ा सा, तो मम्मी इसीलिए अपने लिए काली चाय बना रही है विथ चरपत्ता के साथ, है ना मम्मी, सर्दी जुकाम हो रखा है ना आपको इसीलिए बना रहे हो ना, मुझे पता है मम्मी का सारा मुझे पता रहता है, देख सकते हो। तो गाइस मम्मी ने अपनी चाय में तो चरपत्ता डाला डाला, हमारी में भी डाल दे, देख रहे हो चरपत्ता डालो को मम्मी गलत बात है, मैंने बोला था आपको डालने के लिए मम्मी, बढ़िया की बात नहीं ना, मुझे अच्छा नहीं लगता मम्मी, और चरपत्ता डाल के पियो ना, अच्छा तो हम भी ऐसे बढ़िया लगेला, तो हम भी ऐसे पियेंगे तब का, अच्छा चलो तू तो पीते रहो, अच्छा चलो डालो। तो मम्मी का कहना है कि हमारे छोटे बुआ के यहाँ पर चरपत्ता डाल के मिलती थी ना चाय, तो यहाँ भी हम ऐसे पियेंगे, तो बस फिलहाल बन चुकी है और मम्मी हमें सर्व करेगी, मैं और मनीष, मनीष उस तरह वीडियो वगैरह देख रहे हैं, देख सकते हो वीडियो देख रहा, देख लो कहाँ से। सो गाइस आज हम लोग पता कहाँ जा रहे हैं, जीवन पार्क में जा रहे हैं, जीवन पार्क में क्या है बेस्ट फास्ट फूड वाला है ना, तो उसके पास जाते थे, देखते फास्ट फूड में आज क्या क्या चीज़ें, तो कल हम गए थे तो हमने कहा था काठी रोल, उससे पहले हमने काफ़ी सारी चीज़ें देखी थी, आज कुछ अलग ट्राई करते हैं, देखते क्या चीज़, मम्मी देख रहे हो पीछे हमारी, तो मम्मी को तो हम अभी नहीं लेके जाएंगे, होपफुली कुछ टाइम बाद मम्मी को भी लेके जाएंगे, तो फिलहाल अभी मैं और जा रहे हैं मनीष, तो बस फटाफट चलते बिना देर के ना, तो बस फिलहाल मनीष के हाथ में एक्सीलेटर है स्कूटी का, चलते। और कल ना बिल्ली मिली थी हमें यहाँ पर, तो आज है नहीं, पता नहीं कहाँ छुपी हुई है, क्योंकि अगर होती तो आज भी मुझे लेते लेकिन है नहीं। चलो सो गाइस आज ना हमने नया रास्ता चूज़ किया है जाने का, क्योंकि सेम रास्ते जाना ना कभी कभी अच्छा नहीं होता ना, तो देख सकते हैं नया रास्ता, पता हमें कुछ भी नहीं है कहाँ से कौन सी गली निकलेगी, क्योंकि अभी हम इस एरिया में नए हैं ना, 3 महीने हुए आए हुए, तो बस फिलहाल देखते हैं कहाँ से निकलती है कौन सी गली, भूल ना जाए लास्ट टाइम की तरह, बस ये थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। स्कूटी बाइक ना आप बहुत लोग सोच रहे हैं कि भैया मतलब स्कूटी चलाते चलाते कैसे बना लेते हैं, तो गाइस मेरे हाथ में एक हाथ में एक्सीडेंट होता है, बहुत धीरे धीरे चला रहा था जब मैं वीडियो शूट कर रहा होता ना, तो बहुत धीरे धीरे चला रहा था मतलब 10 की स्पीड पे 5 की स्पीड पे, ताकि आगे ना एक्सीडेंट होने के चांसेस कम रहे, मतलब होगा नहीं, इसलिए मैं बहुत स्लोली चला था और एकदम किनारे में आके, तो ये मैं आपको जानकारी के लिए बता दूँ, क्योंकि बहुत सारे लोगों का सवाल भी होगा ना, तो भैया चलते चलते मतलब वीडियो बनाते हैं, बहुत गलत बात है। सो गाइस ये जो मार्केट है ना C1 60 फुटर की मार्केट है, तो यहाँ पे ब्लेजर्स वगैरह शूज वगैरह सारी चीज़ें मिलती हैं। सो
गाइस फिलहाल हम लोग आ चुके हैं चाउमीन खाने, और देख सकते हो आप कैसे कैसे तरह के, मतलब काफ़ी गाड़ी वाले तक उधर उधर के यहाँ पे आते हैं चाउमीन खाने। और शाम के टाइम जैसे शाम होते रहेंगे तो भैया की दुकान पे भीड़ लगती रहती है। तो फिलहाल मैं और मनीष आए हैं तो खाने चाउमीन के लिए, क्योंकि ना मैं सोच रहे थे कहीं जाने के लिए तो कोई बेस्ट जगह तो हमें मिल नहीं रही थी, तो देखते और इस तरह में जैकेट वगैरह बिक रही, जैकेट देख के आते हैं। हाँ बड़ी चाउमीन ले, मैं आ रहा हूँ जैकेट देख के। हाँ सुबह इस तरह देख सकते हैं जैकेट वगैरह सेल हो रही है। भैया कितने की दे रहे हो? 350 की। अरे वाह, सो गाइस चाउमीन तो मैंने खा लिया है, ठीक है, और काफ़ी टेस्टी चाउमीन है। और देख सकते हो मतलब मनीष इधर खड़ा हुआ है पीछे, तो भाई सब मज़ा आ गया चाउमीन खा के। और यहाँ पर सेकंड टाइम आ रहे, फर्स्ट टाइम आ चुके हैं पहले, तो एक बार और फिर खाई, काफ़ी मस्त। और पीछे देख रहा हूँ मनीष छुप के खा रहा है, ये देखिए मतलब छू के खा रहा है बेचारा डॉट। हमने चाउमीन खा लिया और वापस हमें ना आर्य समाज रोड से आना पड़ता है, क्योंकि एक हमारा ओनली वन एंड ओनली वे है ना कि हमें यहीं से जाना पड़ता है। तो बस यहीं से जा रहे हैं हम पीछे, और मज़ा आगे वैसे तो खा के। और चाउमीन वाले खास बात ये ना कि भाई साहब 10 रुपये की चाउमीन खूब सारे देता है, तो इसलिए इसका भीड़ वगैरह बहुत होती है। तो गाड़ी वाले से लेकर और साइकिल वाले तक सारे उधर उधर का खाते हैं, क्योंकि 10 रुपये में इतना सारा मज़ा कौन देगा, है ना। और सिरका, मिर्च, प्याज, बहुत सारी चीज़ें होती है, तो मज़ा आ गया। अरे मार्केट दोबारा से हमारे समाज में टिकटॉक स्टैंड वगैरह भी है। माइक तो मैंने पूछे थे यहाँ पे, लेकिन माइक वगैरह ना मतलब सपोर्ट नहीं कर रहा था मेरे मोबाइल में, तो इस बारे में माइक वगैरह ले नहीं पाया अभी। तो आपको मैं एक अद्भुत आदमी से मिलवाने वाला हूँ। तो ये देखिए हमारे यहाँ के ना मशहूर भैया जो राजापुरी से उठ के यहाँ पे आ चुके। और भैया कैसे हो? देख रहे हो भैया हमारे यहाँ पे बड़ा मिस करते हैं राजापुरी वाले ने, देख रहे मोमोज, बट राजापुरी से यहाँ पे आ चुके तो कोई बात नहीं, चल कल खाएंगे भैया, अभी तो जा रहे, अभी खा के आ रहे, अभी जीवन पारा गए थे ना। चलो आता हूँ भैया, चलो। तो देख सकते हो भैया की मतलब स्कूटी हो रही जिसके ऊपर सारा सामान ले गया, छोटी वाली देख सकते हो आप, तो काउंटर, एक काउंटर से लेके उधर सारा इसी के ऊपर लेके आते, सोचो मतलब जुगाड़ू भैया वैसे हमारे। और ये इनकी दुकान जो आई है ना, तो देख सकते कमल चाट है, तो ये आर्य समाज के इधर शिफ्ट हो गए। ये ना हमारे संजय भैया थे जिनकी मोमोज की शॉप है ना, तो राजापुरी में थी तो कितना अच्छे थे ना बेचारे, मतलब घर भी चल जाते थे, आ भी जाते थे, लेकिन जब से यहाँ पे शिफ्ट हुए ना तो मतलब अभी घर तो जा नहीं सकते, तो सामान वगैरह मंगा लेते, छोटे लड़के से आते हैं और सारी चीज़ें ना स्कूटी से लेके आते हैं काउंटर वगैरह ना, तो कोई दिक्कत नहीं, मस्त भैया वैसे तो खाते रहते हैं हम इनसे। गुरुद्वारे के पास आर्य समाज रोड के पास इनकी मोमोज की शॉप है, तो थोड़ी सी अंदर मुड़ गए तो आप लोग आ सकते हैं, खा सकते हैं, इनके टेस्टी मोमोज काफ़ी अच्छे होते हैं। सो गाइस फिलहाल तो मनीष जा चुका घर पर है ना, और रात भी हो गई, तो देखते हो जैकेट वगैरह मैंने वियर कर ली, वैसे तो कर रखी है मैंने काफ़ी टाइम से, और बस फिलहाल तो मैं जा रहा हूँ भैया जी को लेने। और अभी ना एक शॉप पर जा रहा हूँ, क्योंकि वहाँ पर ना एग वगैरह की, तो उसकी दोस्त की शॉप भी हो, कहता भाई मिल लेना मेरे साथ ना, कहता आते वाते तो हो नहीं आपको भी ऐसे बोलते हैं, आज थोड़ा सा ना उससे मिलने चलते हैं, क्योंकि भाई साहब बहुत दिन बाद मन किया है। मतलब रात का व्यू देख सकते हो कितना मस्त लग रहा है ना, मतलब लाइट वगैरह जल रही है, और इस तरह मतलब देखो रोड पर ना मतलब दिल्ली की सड़कें ना मतलब सुनी नहीं रहती कभी भी, तो देख रहे चारों तरफ का ट्रैफिक चल रहा है इस टाइम। दीपक नीरज नहीं है क्या? और चाय दे दो यार एक कप है, दे दो यार चाय पिला। तो गाइस वो लड़का तो है नहीं, तो अभी भैया को आने में टाइम है, तो फिलहाल मैंने ले लिया चाय, देखिए तो कप भर के लिया ना, तो चाय पीने का तक अपने अंदाज है, क्योंकि चाय जब मर्जी पी जाती है, और ठंड है ना तो ठंड में भाई साहब सहारा जो है चाय है। और तो गाइस रात तो काफ़ी हो चुकी है, फिलहाल मैंने एक कप और ले ली चाय, मैं कोई नहीं चाय पीते रहे, तो भैया आएंगे इस तरफ से ना, मतलब देर हो रही है, आई डोंट नो को भैया कहाँ से जा रहे हैं हमारे घर, अभी इनको पीछे से ना अभी हाइड एंड सीक वाला धप्पा करते हैं, लेकिन धप्पा ये जा रहे हैं, अब इनको बताना पड़ेगा कि हम पीछे से आ गए। भाई आ जा, गाइस मैं आ चुका हूँ घर पे ना, और थोड़ा सा सामान लिया मैंने सुबह के लिए, मॉर्निंग के लिए, मतलब कल संडे है ना, तो संडे को हम लोग लेट उठते हैं सो के, तो इसमें हमारे चाय वगैरह हम सुबह सुबह पी सके कम से कम, तो ये सारी चीज़ें ले लिए मैंने, ब्रेड, दूध, शैम्पू, सोयाबीन वगैरह, तो आ चुके हैं घर पे। मम्मी कैसे हो? ठीक हो? मम्मी इज गुड। देखो क्या क्या बनाया हमें खाने में, दाल भात चोखा। कहाँ है दाल भात चोखा? झूठ बोल रहे हो, झूठ बोल रहे हो आप, दाल भात चोखा कहाँ है? अब ना
मम्मी का डांस देख रहे हो आज कितना मजेदार है। मम्मी कैसे? मम्मी थक गई तो बस फिलहाल ये तक डांस था तो जो मम्मी ने किया काफी मजा आया। जो वक्त सुबह के 2:42 तो मैं बुक पढ़ रहा था ना इसलिए ज्यादा टाइम हो गया तो अभी तक जागा हूँ। मतलब आधी नींद तो ऐसे पूरी हो चुकी है मेरे यहाँ जैसे तो दोबारा सो के उठ चुका हूँ मैं तो अभी दोबारा जाऊँगा सोने। तो इसीलिए बस आज के श्लोक में मैंने आपको दिखाया कि मतलब मम्मी के साथ ना डांस वगैरह हो गया और मनीष की मम्मी के वृंदावन वगैरह ना तो काफ़ी अच्छा लगा। घूमे भी मार्केट वगैरह भी थे ना तो काफ़ी मस्त लगा। तो जो था आज के श्लोक में मैंने आपको दिखाया तो अपने श्लोक को यहीं पर करता हूँ एंड आई होप आपको लोग पसंद आई हो। पसंद है तो छोटा सा लाइक कर देना, चैनल पर ना तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। सो मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। लव यू, बाय।